दुनिया में काफी लंबे समय से टाइम ट्रेवल की चर्चा होती आ रही है। अक्सर टाइम ट्रेवलिंग की कई कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। कई हॉलीवुड फिल्मों में बेहद अनोखे अंदाज में समय यात्रा को दिखाया गया है। हालांकि अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में कोई समय यात्रा कर सकता है? क्या आने वाले समय में समय यात्रा के लिए कोई टाइम मशीन बनाई जा सकती है? वैज्ञानिकों को काफी लंबे समय से समय यात्रा की अवधारणा रोमांचित करती रही है। सन 1905 में मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सापेक्षता का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से ये चादर नीचे की तरफ मुड़ी है, जिससे रेखा में बदलाव नजर आता है। वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने की कई तरीकों की खोज की है, जिनका इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। लेकिन आज भी ये सिर्फ एक थ्योरी है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो समय यात्रा करने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वो सैकड़ों साल पहले यानी भविष्य की यात्रा कर वापस आए हैं। अब इस बीच एक शख्स ने हैरान करने वाला दावा किया है। उसका कहना है कि उसने 780 साल पहले की दुनिया देख कर आया है। उसने अपने दावे से लोगों को डरा दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस शख्स के दावों के बारे में। दोस्तों, इस समय यात्री का कहना है कि वो साल 2804 की दुनिया देख चुका है और उसने मौजूदा साल का बेहद खौफनाक रूप देखा है। जिन चीजों की हमने शायद ही कल्पना की होगी, उन्हें लोगों को इसी साल झेलना पड़ेगा। इस शख्स का नाम वन सिराला है, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इन्फिनिटी टाइम ट्रैवलर पर यह दावा किया है। शख्स का दावा है कि साल 2024 में इंसान को इतिहास का सबसे भयानक कुदरती रूप देखने को मिलेगा। इतनी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि मानवता को बहुत नुकसान होगा। उसने दावा किया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क नाम का ज्वालामुखी फूटेगा, जिससे काफी नुकसान होगा। शख्स ने तारीख के साथ आने वाले आपदाओं के बारे में बताया है। 30 मई को वेनम रेन नाम का तूफान आएगा। इस दौरान इतनी हानिकारक बारिश होगी कि 25% संभावना है कि इससे एक किस्म का कैंसर हो जाएगा। 13 सितंबर को एक और भीषण तूफान आएगा, जिसमें 500 मीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ऐसा 9 दिनों तक होगा और इससे लैटिन अमेरिका के कई देश प्रभावित होंगे। 4 अक्टूबर को इस दिन हजारों साल से शांत येलोस्टोन वोल्केनो फूटेगा। इस ज्वालामुखी के फटने के बाद अमेरिका के लगभग सभी इलाकों को राख और धुएं से भर देगा। 25 दिसंबर को यानी साल के आखिर में एक उल्कापिंड धरती के एक भाग से टकराएगा। एक मिसाइल इस उल्कापिंड को आधा खत्म कर देगा, लेकिन इससे धरती का एक हिस्सा तबाह हो जाएगा और यह हिस्सा फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इटली जैसे यूरोपियन देशों का होगा।